गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल भाई और दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग। और आज है नवरात्रि भाई और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। सबके सबका दिन शुभ हो और सबका दिन अच्छा जाए और सब स्वस्थ हो। ऊपर वाले से हम यही दुआ करते हैं। और आज माता रानी को सजाया था भाई, देख सकते हो, दिखा रहा हूँ आपको, माता रानी का दरबार सजाया भाई। मैंने कल आपको बताया था कि माता रानी का दरबार सजाऊंगा और ये देखो यार। ठीक है, अभी पूजा होने जा रही है, तैयारी हो चुकी है और हमारी मैडम तैयार है कि हम जब फटे हैं तो हम पूजा करें। ठीक है, हम आरती कर रहे हैं, जब तक आप देखो। टिल देन गाइस कीप वॉचिंग माई वीडियो भाई, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई। ठीक है, टिल देन गाइस, जब तक देखो दिखा रहे हैं। सो गाइस अभी पूजा होने जा रही है, जब तक कीप वॉचिंग टिल देन गाइस, जब तक आरती हो जाए उसके बाद बात करते हैं। पूजा हो गई और बस आरती हो चुकी है भाई, और देख रहे हैं आप आरती हो गई है घर में और माता जी की तस्वीर आप देख ही रहे हैं, कितनी अच्छी जोत जल रही है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई, वो देखिए भाई। सो गाइस कैसे हैं आप लोग, और भाई सबको हैप्पी नवरात्रि। पूजा हो गई भाई और बजे हैं भाई तो तो गाइस देख रहे हैं आप टाइम कितना हो गया है, और आपके भाई को गर्मी लग रही है शक्ल पे देख सकते हैं आप, और भाई भूख भी लग रही है। पूजा हो गई, माता जी की आरती हो गई, अब खाने का टाइम है और आपको दिखा रहे हैं क्या बन रहा है। क्या बन रहा है फिर से बोलो? आलू के पराठे। और आप हाय नहीं कर पा रहे थे पूजा में, इतने बिजी थे सुबह, वो ज़्यादा बिजी थे उसके लिए सॉरी। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और मेरी तरफ से भी हैप्पी नवरात्रि भाई। और आलू के पराठे बन रहे हैं देख लो कितने जोड़। हम लोग का फास्ट नहीं है, हम लोग का फास्ट नहीं है, मम्मी का फास्ट है। मम्मी फास्ट आज व्रत है मम्मी का, बाकी हम दोनों का फास्ट नहीं है। और आलू के पराठे बन रहे हैं, कीप वॉचिंग माई वीडियो गाइस, और टिल देन जब तक देखो आलू के पराठे बन रहे हैं। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं। ओके गाइस जब तक देखो, स्टैंड पे लगा दूँ पहले फ़ोन को फिर बात करते हैं। सो गाइस ये देखो, ये है खास मसाले, पंजाबी लोग इसी को डालते हैं मसाले को। ये है भुना जीरा और काली मिर्च, उसको भून लो उसके बाद इसका पाउडर बना दो, मेन इंग्रेडिएंट यही है। चलो डालो और देख लो भाई, सब्जी सब बन रही है, मसाला बन रहा है आलू के पराठे का, आप देख सकते हैं। और भाई हाँ, पिसा मिर्चा अभी देना पड़ रहा है, लीजिए भैया दे रहे हैं पिसा मिर्चा। सो गाइस हम रोटी बेल रहे हैं भाई, और हमारे मैडम को कुछ काम आ गया तो अंदर गई हैं, जब तक रोटी बेल रहे हैं आप देखो, कीप वॉचिंग। कमेंट करके बताना सही बना है, और अच्छा ना बनाओ तो भी कमेंट कर देना भाई, आपको भाई को थोड़ा थोड़ा ही आता बनाना। सो गाइस
गाइस कैसे हैं भाई। पराठे बन गए और हम गीले हो गए पूरे, पराठे बर्तन धोने में पूरे हो गए हम। और आप देखिए ये पराठा देखो, और दोनों दिखा रहा हूँ ये देखो भाई। भाई इन दोनों पराठों में से बताओ कौन सा मैंने बनाया है, कौन सा मेरी वाइफ ने बनाया है, कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। और हमारी कौन सा हमारे पराठे हैं, कौन सा मेरी वाइफ के पराठे हैं, दोनों में से चूज करके बताना। खाने जा रहे हैं भाई, और खाने के बाद फिर आपके पास आते हैं, ठीक है। ओके, जब तक भाई, टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो भाई। दिस इज अर्चित ब्लॉग और वेलकम बैक टू माई चैनल। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। ओके भाई, ओके गाइस। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग, और गुड इवनिंग भाई। शाम हो गई, और सॉरी यार शाम हो गई, और पराठे खा के सो गया, नींद आ गई थी भाई आपके भाई को। और अभी जाके उठा, और अभी नहीं तो एक घंटा पहले उठा था मैं, और बजे भैया 8:11, ये देखो, ठीक है। और ना भैया आज ना आपको बताना था मेरे को कि ना एक पार्सल आया है, और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और भाई ये पार्सल अभी आपको दिखाता हूँ मैं, थोड़ा कैमरा सही कर लूँ यार, ये देखो गाइस, ये देखो बोया का माइक है मेरे पास, और यही पार्सल मैं आया था और यही आपको दिखाना था। काफ़ी टाइम से मेरे को इसका इंतज़ार था, और फिलहाल मैंने ख़रीद लिया। और आप कहोगे कि इसकी क्या नीड है, इसकी ये नीड है भैया कि वॉइस एकदम अच्छी आती है, रिकॉर्डिंग अच्छी होती है, साफ सुथरी वॉइस होती है अंदर, मतलब चढ़ चढ़ पुड़ पुड़ नहीं होती। ये भी अच्छा माइक है, मगर ये मच बेटर दिस माइक। और भैया ये है आज का, ये है मेरा पार्सल, और सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और अनबॉक्स करके दिखा दूं। वो भैया बॉक्स इसलिए खोलना पड़ा मुझे और रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी, क्योंकि सैनिटाइज़र करना पड़ता है, कोविड का चक्कर चल रहा है, तो सैनिटाइज करके पूरा बॉक्स सैनिटाइज करके फिर आपके सामने दिखा रहा हूँ भाई, ठीक है। कोविड के चक्कर में पहले उसको सैनिटाइज किया और फिर इस बॉक्स को निकाला, अब इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा भाई। और सो गाइस, यही दिखाना था मेरे को, और टिल देन कीप वॉचिंग। ओके, बैक कैमरा कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। सो गाइस, ये देखो यार बोया की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ये बोया का माइक है और बेस्ट है भाई, और वैल्यू ऑफ मनी है भाई, और मतलब सही है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, ऑनलाइन मिल जाता है यार मुझसे अच्छा, आप जानते हैं। और खोल जरा सा, खोल के दिखाऊँ आपको मैं, एक सेकेंड यार, थोड़ा सा टाइट है। तो भाई इसको सैनिटाइज कर दिया मैंने, सैनिटाइज करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है भाई ये बोया माइक। इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके साथ एक पाउच मिलता है, ऐसा एक पाउच मिलता है बोया माइक का। और भाई जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये नॉर्मल माइक से अच्छा होता है, और यूट्यूबर्स होते हैं तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, जो रनिंग यूट्यूबर्स होते हैं, बिगनिंग यूट्यूबर्स के लिए ले सकते हो, मगर कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो, जो ले सकता है वो ले सकता है भाई, और जो नहीं ले सकता तो नॉर्मल माइक अभी मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो भी है। और ये है भाई इसका माइक, ये समझ लो फुई फुई है। ये एक चीज़, ये चीज़ क्या है भाई मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने जरा से इसको खोला, और ये देखो भाई, ये जो चीज़ है किसी को नहीं पता, जिसको पता है वो समझ गया होगा, जो विंड ब्लास्ट होता है बाहर, जैसे आंधी तूफान आ रहा होता है, ये अपना माइक है भाई, ये देखो बोया का माइक है। और एक सेकेंड भाई जूम कर दूँ, ये देखो ये बोया माइक है भाई, और ये है मेन चीज़ तो यही है भाई, क्योंकि वीडियो कैसी बना लो मगर वॉइस अच्छी होनी चाहिए,
तो मेन चीज़ तो वॉइस पे ध्यान देना होना पड़ता है। तो यूट्यूबर के लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट यही है, और इसको आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉर्मल इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, और वरना नहीं तो इसके साथ। ये क्या होता है भाई, जो हवा हवा चलती है तो चर चर पुड़पुड़ की आवाज़ आती है रिकॉर्डिंग में, वो नहीं आएगी भाई इसमें। ये हवा को रोक देता है और माइक तक सिर्फ वॉइस आने देता है, और ये भाई ऐसे कुछ लग जाता है भाई। ये लग गया यार, ये ऐसे लग जाता है और बड़ा सॉफ्ट होता है भाई। इसको देखने में भी अच्छा लगता है और प्रोफेशनल लुक होता है, और भाई ये चीज़ है। और इसके साथ ये पाउच आता है, और पाउच में दिखा देता हूँ भाई क्या क्या आता है। ये है भाई पाउच में ये चीज़ आती है, ये दो वायर आती है, और इसकी तो काफ़ी वीडियो बन गई होगी, बस आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, खाली नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से, मैं इसका कोई ऐड नहीं कर रहा। ये जैसे ये है, ये DSLR कैमरे के लिए होती है, जिसमें दो नीडल्स होती हैं, एक और दो, और यहाँ पे भी दो नीडल्स होती हैं। ये DSLR में लगती है, ये माइक में लगती है, और क्या कमाल की वॉइस आती है भाई। अभी मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और ये फ़ोन के लिए होती है भाई, ये देखो ये माइक है, माइक के लिए होता है, ये देखो भाई ये माइक के लिए होती है, ये माइक में जाती है, और ये स्मार्टफोन का प्लग होता है जिसमें तीन वाली डॉट्स होते हैं इसके अंदर, तीन डॉट्स हैं, और ये माइक फ़ोन के अंदर जाता है। इसको लगा दो, इतनी क्लियर आवाज़ आती है भाई कि आपको अभी लगा के दिखाऊंगा मैं, ठीक है। और ये सब मिला भाई, और बस आपके लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, और यही है भाई कि ना ज़रूरत थी तो आपको दिखा दिया मैंने। ये पाउच मिलता है, बहुत अच्छा पाउच मिलता है लेदर वाला, और ये पार्सल है, इसके लिए मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था भाई, और आज आ गया। और इसके साथ वारंटी कार्ड में मिलता है, और कैमरा पलट देता हूँ। तो गाइस आ गया वापस मैं, और फ्रंट कैमरे पे आ गया भाई। ये है वो माइक जिसका मेरा बेसब्री से इंतज़ार था, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत बेस्ट है भाई। इसका भी बड़ा वर्जन भी आता है, और रोडी माइक भी आते हैं, रोडी करके माइक आते हैं कंपनी के, मगर सबसे वैल्यू ऑफ मनी में ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, मगर ठीक है, और आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा। और ये वाला माइक भी अच्छा है, मेरे को तो इसकी आदत पड़ गई है, मगर थोड़ा सा अपना, जैसे मैंने वो बताया ना आपको, मैंने ट्राइपॉड चेंज किया तो थोड़ा सा अपडेट करना था, वो मैंने अपग्रेड करने के लिए मंगा लिया भाई, और सही है, चल जाएगा, ये भी चलाता रहूँगा। मतलब जब से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ इसका यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सही माइक है भाई। और जो बिगनर्स हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलाओ, ये 100-150 रुपये में 160 रुपीज़ का आता है, आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। वायर भी कितनी बार मेरी वायर खींच चुकी है, मगर इसका कुछ नहीं बिगड़ा भैया, बहुत अच्छी वॉइस आती है। और भाई यही दिखाना था आपको, और सुबह बना दिए पराठे, फिर मैं सो गया, फिर भैया 4-5 घंटे बाद उठा, और सबको हैप्पी नवरात्रि। और भाई आपके भाई के चैनल पे जो नया है उसको सैल्यूट है, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप, केमचो भाई। और भाई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और शेयर कर लो, कमेंट कर लो, आपके भाई की मदद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो भाई, आपके भाई की मदद वैसे हो जाएगी, और लाइक का बटन दबा दो भैया। और मैं तो बस यही बताने के लिए आपको आया था, और आज के लिए तो बस इतना ही। और भाई आपका आज थक गया, आप सोच रहे होंगे यार थक गया, थक कैसे गया, एक्चुअल में भाई कैमरे के पीछे भी थोड़ा बहुत काम करना होता है, एडिटिंग करनी होती है, तो आपका भाई वो कर रहा था, फिर सो गया था, तो थोड़ा थकान है अभी भी, मगर ठीक है भाई, अभी सही है, एनर्जी लेवल मेरा सही है। और यही दिखाने के लिए आपको मैंने बताया था कि आज मेरा पार्सल आया भाई, आपके आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है भाई, इसलिए शेयर किया मैंने। और किसी भी ऑनलाइन पे मिल जाएगा, ये ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और भाई आपका भाई बस इसी चक्कर में इसको लगा नहीं सकता, इसको लगा नहीं सकता मैं आज, क्योंकि इसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो माउंट कहते हैं, माइक माउंट। जिनको पता है उनको पता है भाई, उनको वो माउंट करते हैं मोबाइल के ऊपर, माउंट किया जाता है इससे और मोबाइल माउंट कहा जाता है। वो माउंट मेरे पास अभी है नहीं तो मैं इसका इस्तेमाल कर नहीं सकता, मगर अगर ऐसे हाथ में पकड़ के तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नॉर्मल आवाज़ है, आप देख सकते हैं। और कमेंट करके बताना भैया जो बोया माइक से मैं बात करूँगा वो कैसी है और ये कैसी है, ठीक है? दो मिनट रुको भाई, ये बोया माइक है। अभी जो माइक लगा हुआ है मेरे फ़ोन के अंदर का इंटरनल माइक है, वो इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये बोया माइक है। सबसे पहले मैं अपना पुराना माइक इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे ही नॉलेज पर्पज़ के लिए। ये देखो, ये नॉर्मल माइक है मेरे पास, 100-150 रुपये का है। अभी मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, आप आवाज़ में डिफरेंस पता लग जाएगा। तो भाई ऐसी लग रही है, ये नॉर्मल माइक है, अभी जब से बात कर रहा हूँ आपसे तो इसी माइक पे बात कर रहा हूँ। ये देखो, हेलो हेलो। तो इसको हाथ में पकड़ना पड़ता है, कभी क्लिप बांध के लगा देता हूँ। तो अभी जैसे मैंने ये माइक लगाया यहाँ पे, और बोया माइक क्या है कि फ़ोन के ऊपर माउंट हो जाता है, फ़ोन के हेड पे माउंट हो जाता है। और उसकी मैं पिक भेज आपको दिखा दूंगा, इस साइड में पिक दिख रही होगी। और अब मैं बोया माइक लगा के दिखा रहा हूँ, वो भी देख लो भाई, एक मिनट। हाँ, ये मैंने कर दिया, अब नॉर्मल फ़ोन की आवाज़ है, अब बोया माइक की आवाज़ सुना था भाई। ये है बोया माइक, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अभी हाथ से और फ़ोन के अंदर। आप कैसे आवाज़ लग रही है भैया, आप बताओ आप आवाज़ कैसे लग रही है? और मैं कितनी भी दूर से बात कर लूँ आपको आवाज़ क्लियर ही सुनाई देगी भाई। तो इसका डिफरेंस यही है, थोड़े क्लियर कट आवाज़ आती है और फ़ोन के ऊपर ऐसे लग जाता है। और भाई यही चीज़ दिखानी थी आपको, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आपसे हर चीज़ शेयर करना हमारा धर्म बनता है। और ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने की, क्योंकि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है भाई, आप लोगों के साथ। आप मेरे को इतना कीमती समय देते हैं और मेरा फ़र्ज़ बनता है भाई वीडियो बना के आपको दिखाना, हर चीज़ शेयर करना। तो ये छोटी सी चीज़ है और ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये बोया माइक है, ये फुई फुई है, इसके अंदर माइक है और बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा महंगा नहीं है, आप ऑनलाइन जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो भैया अभी हम वीडियो स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है? ये दिखाना तो दिखा दिया। और भैया जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और आपका भाई ऐसी वीडियो बनाता रहेगा लाके। और भाई आपके भाई को बहुत काम है, अभी एडिटिंग भी करनी है और आपको वीडियो चढ़ा के दिखानी, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़े दो दो दिन में चढ़ रही है अभी, मतलब अभी लेट हो गया मैं दो दिन, तो दो दो दिन के गैप से चढ़ रही है, उसके लिए सॉरी चाहूँगा भाई। घर के काम भी करने पड़ते हैं तो आपके भाई को टाइम नहीं मिल पा रहा है। और कुछ नहीं, अभी के लिए इतना ही और मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, आज के लिए इतना ही। और भाई रमज़ान चालू हो रहा है तो मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। और भाई वही हमेशा का शुक्रान, अलविदा, माशाल्लाह, टेक केयर, यू ऑडी बॉन्ड माय लवली फ्रेंड्स, ठीक है? और भाई सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, और चलते हैं भाई। और ओके गाइस, आज के लिए इतना ही और वेलकम टू माय चैनल और कीप वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शबा खैर, बाय बाय।